तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव श्वसन तंत्र। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव श्वसन तंत्र होता क्या है। दोस्तों मानव श्वसन तंत्र मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य शुद्ध ऑक्सीजन को अपने शरीर में पहुंचाता है और उसके बाद में पूरे शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। दोस्तों हम स्क्रीन पर मानव श्वसन तंत्र का एक फिगर ड्रा कर रहे हैं जिससे हम आसानी से सारी बातें समझ सकें। तो दोस्तों ये रहा मानव श्वसन तंत्र का चित्र। अब दोस्तों इसमें हम सबसे पहले इसके अनेक पार्ट के नाम को जान लेते हैं, उसके बाद में हम इसके अनेक पार्ट्स के कार्य को जानेंगे कि कैसे ये कार्य करते हैं। दोस्तों इस चित्र में मुख जहाँ पर खुलता है उसके जस्ट ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं नासा द्वार। जस्ट नासा द्वार के थोड़ा सा नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, मुख गुहा। अब जस्ट इसके थोड़ा सा अगर हम पीछे आएँ तो यहाँ पर एक पार्ट ये है, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। जस्ट इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ गांठ की तरह दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंठ। अब उसके बाद में नीचे एक नली नुमा बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं श्वास नली। अब दोस्तों ये श्वास नली दो भाग से जुड़ रही है यहाँ पर, तो इधर और उधर दोनों भाग को हम बोलते हैं, जो यहाँ पर जहाँ पर ये जुड़ रहा है इसको हम बोलते हैं श्वसनी। अब दोस्तों ये जो श्वसनी है जिन दो पार्टों से जुड़ रही हैं उनको बोलते हैं हम फेफड़ा। तो इस फेफड़े में अनेक छोटी छोटी नलिकाएं दिख रही हैं जिसको हम बोलते हैं श्वसन नलिकाएं। दोस्तों ये हो गए मानव श्वसन तंत्र के अनेक पार्ट के नाम। दोस्तों मनुष्य के श्वसन तंत्र में दो प्रकार से श्वसन क्रियाएं होती हैं। पहला होता है बाह्य श्वसन क्रिया और दूसरा होता है अंतः श्वसन क्रिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बाह्य श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। दोस्तों जब हम वायुमंडल से नाक द्वारा ऑक्सीजन को खींचते हैं तो ये नासा द्वार, ग्रसनी, कंठक और उसके बाद में श्वसन नली से होते हुए फेफड़े में पहुँच जाती है। अब दोस्तों फेफड़े में पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पहुंचा रहता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इस फेफड़े तक कैसे पहुंचता है। तो दोस्तों हृदय का एक भाग होता है दायां निलय। दोस्तों ये दायां निलय इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़े तक पहुँचाता है शुद्ध होने के लिए। अब दोस्तों अगर आप दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद इन सब से अपरिचित हैं तो आप हमारी वीडियो मनुष्य के हृदय की संरचना को देख सकते हैं, वहां पर ये सारी बातें हमने आप सभी को बताया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे पर। दोस्तों यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो हमने नाक से ऑक्सीजन को वायुमंडल से खींच कर फेफड़े में लाते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में मिल जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ये इस फेफड़े में चला जाता है और फेफड़ा जब सिकुड़ता है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये नाक की सहायता से बाहर निकल जाती है और ये जो ऑक्सीजन अंदर गया है वो उस रक्त में मिलने के बाद में वो चला जाता है बाएँ अलिंद में। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता रहता है और ऑक्सीजन अंदर की तरफ आकर रक्त को शुद्ध करता रहता है। तो दोस्तों ये हो गया मानव श्वसन तंत्र का बाह्य प्रक्रिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अंतः श्वसन प्रक्रिया क्या होता है। दोस्तों अंतः श्वसन प्रक्रिया स्टार्ट होती है जब ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बाहर निकलता है तो कुछ क्षण के लिए ऑक्सीजन अंदर श्वास के द्वारा नहीं आ पाता, तो उस क्षण क्या होता है कि ये जो अंतः श्वसन प्रक्रिया है ये कार्य करता है। दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ये खासकर कोशिकाओं के लिए होती हैं और ये कोशिकाओं के लिए पहले तो कुछ क्षण के लिए अम्ल बनाती हैं और ये अम्ल ATP में बदल जाता है। तो दोस्तों ये होता है अंतः श्वसन प्रक्रिया का कार्य।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों यदि आप हमारे सेकेंड चैनल टेक्निकल GD से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।